हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है अनबॉक्सिंग और रिव्यू के ऊपर। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। कम ऑन, लेट गेट स्टार्टेड। दो दिन पहले मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, तो आज आया है। आज सुबह 8 बजे करीब आ गया, तो मैं इसको खोल लिया था, तो फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। मेड इन थाईलैंड है, तो ये प्रोडक्ट का नाम है WD माई पासपोर्ट। ये एक हार्ड डिस्क है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो चलिए हम लोग इसको ओपन करते हैं। इसे एक्चुअली मैं ओपन कर लिया था, तो ओपन कर लेते हैं। पर्ची, एक तरह से बोलें इसका बिल है ये। ये डब्बा, इसको साइड में रखते हैं। ये आपका मेन प्रोडक्ट है, खोल लेते हैं। ये मेरे को पड़ा है 3899 में। यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर कुछ दिया हुआ है। अगर आपको ये वारंटी दिया, 3 साल का वारंटी है, इसमें आपको 3 साल का वारंटी भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, एशिया पैसिफिक, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया, चाइना। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है इसे एक्चुअली, लेकिन हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। और ये रहा हम लोग का जो मेन प्रोडक्ट है, ये WD माय पासपोर्ट है। ये पूरा कॉम्पैक्ट है, आप देख सकते हैं। अगर आपको WD एलिमेंट का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये हम लोग का हार्ड डिस्क, लैपटॉप में हम लोग चेक करते हैं कितना स्पीड है, इसको हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। पासपोर्ट हार्ड ड्राइव में दोनों का ऑप्शन आता है, विंडोज़ के लिए भी और मैक के लिए भी। इंस्टॉल करना पड़ेगा, और नीचे में मैक का, वेस्टर्न डिजिटल इंस्टॉलर मैक, तो दोनों का आता है इसमें। यही फ़ायदा है आपका माय पासपोर्ट में। तो जस्ट मैं अभी इसका इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, जो क्लाउड में आपको स्टोरेज मिल जाएंगे उसके लिए भी मैं अभी इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। आपको मतलब पहले में इसको इंस्टॉल करना चाहिए, अगर नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, मतलब सिक्योरिटी के पर्पज़ से पहले करना पड़ेगा। जब कभी भी अगर आप हार्ड डिस्क बाय करते हैं तो पहले आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, जैसे विंडोज़ और ये, उसमें मतलब ज़्यादातर ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये हो रहा है, अभी थोड़ा देर टाइम लगेगा। तो दोस्तों, ये वाला फाइल को हम लोग कॉपी करेंगे। ये 7.22 GB का है, अराउंड 7 GB से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं। तो ये आपको दिखा रहा होगा, ये थोड़ा लंबा फाइल है, इसीलिए थोड़ा लेट चल रहा है और फर्स्ट टाइम है शायद इसीलिए। आइए हम लोग देखते हैं कितना देरी में ट्रांसफ़र होता है। स्पीड तो इसका ज़्यादा है नहीं एक्चुअली, कुछ सिस्टम्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है, सिर्फ हम लोग हार्ड डिस्क को दोष ठहरा नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा ये सिस्टम पूरा फुल है, तो हो सकता है उसमें उससे मतलब इसमें ट्रांसफ़र होने के लिए थोड़ा सा शायद टाइम लगे। पासपोर्ट कितना अच्छा है, ये अच्छा है एलिमेंट से तो अच्छा है, लेकिन फिर भी मतलब इफ योर बजट इज टू टाइट, ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज WD माय पासपोर्ट इज द बेस्ट चॉइस। तो दोस्तों, ये था आज का अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो।
अगर आपको YouTube से रिलेटेड, Google प्रोडक्ट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या कोई भी इसी तरह का जैसे आपका अनबॉक्सिंग वीडियो या रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़, सयोनारा, जय हिंद।